जय हिंद दोस्तों, अभी हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। पावर पॉइंट जो पीछे पड़ा था उसमें हमने होम और इंसर्ट पढ़ा था पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में डिजाइन एनिमेशन पढ़ा था, तीसरे में स्लाइड शो आता है, रिव्यू और व्यू आता है। स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग शुरुआत के लिए F5 दे रहा है, शुरुआत से आपका एनिमेशन आ जाएगा। ये देखिए शुरुआत से आपका एनिमेशन चल रहा है, एस्केप करिए। दूसरा फ्रॉम करेंट स्लाइड, मतलब मैं इस स्लाइड पे हूँ, यदि F5 प्रेस करूँगा तो शुरू से होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ मैं F5 प्रेस करूँगा तो जिस स्लाइड को मैं देखना चाहता हूँ एनिमेशन के तौर पर, केवल वही स्लाइड मेरे को एनिमेशन से दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ से कस्टम शो, कस्टम शो में क्या होता है कि मेरे को दो स्लाइड चाहिए। जैसे किसी को आपको 10 स्लाइड हैं, 10 में से 5 दिखानी है, 5 नहीं दिखानी है, तो न्यू पे चले जाइए आप, 5 स्लाइड को एल्बम ऐड कर दीजिए, 30 नंबर की ऐड कर दीजिए और 5 नंबर की कर दीजिए। 2 और 4 नहीं दिखाई देगी, वो करिए। ये पहली आ गई, एंटर करा आपने, एनिमेशन दिया हुआ है तो पूरा एनिमेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा आपका। ये आ गए और ये एंड वाली स्लाइड पे आ गए, मतलब आपने जो दिए थे इसको हटाना भी पड़ेगा आपको, कस्टम एनिमेशन को। कस्टम एनिमेशन शो पे जाइए, इसको रिमूव करिए, अब आपकी क्लोज करिए, F5 प्रेस करिए, पूरी से पूरी स्लाइड के बारे में वो दिखाएगा आपको। तो ये होता है आपका कस्टम, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को 5 स्लाइड दिखानी है, 5 दिखा दीजिए, 8 की 8 दिखानी है किसी को, 8 दिखा दीजिए, और किसी को कस्टम के तौर पे उसको हाइड कर सकते हैं, मतलब डिलीट नहीं करना पड़ेगा, उसको हाइड करके रख सकते हैं, जिसका हम उपयोग बाद में कर सकते हैं। सेट अप स्लाइड्स हो, सेटअप कर सकते हैं, मतलब मेरे को एनिमेशन नहीं चाहिए, साउंड नहीं चाहिए, लूप नहीं चाहिए और हेडिंग वगैरह दिखना है, ओके कर दीजिए। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे ऊपर टाइटल बार आएगा, स्कॉलर आएगा, कोई एनिमेशन नहीं चलेगा, नीचे टास्क बार भी आएगी, वो थोड़ा फटाफट पूरा एनिमेशन समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए चलता रहेगा, चलता रहेगा। लूप दिया हमने, लूप को भी हटाना है, लूप को भी हटा दीजिए आप। ये देखिए लूप कंटिन्यू, एस्केप, इसको हटा देंगे आप, ओके करेंगे, F5 प्रेस करेंगे तो फिर जो ऊपर टाइटल वगैरह वो हमने हटा दिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं रहेगा, एस्केप करके उसको एंड करना पड़ेगा। तो ये एक, ये देखिए एस्केप करने के लिए एंड का ऑप्शन बोल रहा है वो, यहाँ से इन सब को हटा देंगे हम, ओके कर देंगे। ये हाइड करने के लिए कौन सी स्लाइड आपको हाइड करनी है, ये हाइड करनी है, ये वाली हाइड करनी है, लास्ट वाली भी हाइड करनी है, F5 प्रेस करिए दोस्तों, ये आपकी स्लाइड हाइड हो गई है। ये आ गया, ये हाइड हो गई, तो मतलब दो ही दिखाई दी, बाकी की हाइड हो गई। ये देखिए हाइट दिखाई दे रहा है, अब इस पे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इस पे नहीं है, इस पे है, अनहाइड करिए दोस्तों, 5 नंबर वाली अनहाइड करिए। रिकॉर्ड नरेशन क्या होता है या रिहर्सल टाइमिंग क्या होती है, जैसे रिकॉर्ड नरेशन के पहले मैं डिजाइन पर जाकर इसको माउस से हटा दूंगा और यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। स्लाइड शो पर चलता हूँ, नरेशन क्या होता है, ओके कर दिया हमने करेंट स्लाइड से। अब देखिए इसको कितनी देर में आप देख सकते हैं, इतनी देर में आप इसको समझ सकते हैं, एवरी स्लाइड कर सकते हैं। अब मैंने इस पे ही देने का आपको बताया है, ये देखिए इतने जल्दी इसको काम कर लेंगे, उतने जल्दी जल्दी आप इंटर करते जाइए, बातों को भी रिकॉर्ड करेगा वो, एंड एस्केप कर दीजिए, सेव। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं था, F5 प्रेस करिए, देखिए एंटर कर दीजिए जल्दी के लिए, ये आ गया। अब देखिए इसको कितनी देर में आप देख सकते हैं, इतनी देर में आप इसको समझ सकते हैं, एवरी स्लाइड कर सकते हैं। मैंने इस पे ही देने का आपको बताया है दोस्तों, मैंने कंप्यूटर पर जो रिकॉर्डिंग हुई है रिहर्सल टाइम वो बोल रहा है, तो यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, व्यू पे जाकर वापस नॉर्मल कर दीजिए। तो यहाँ से इतने सारे उपयोग आप कर सकते हैं इनको, ये टाइमिंग देखने के लिए है, रिहर्सल टाइमिंग यहाँ पर आपका टाइमिंग दिखाएगा कि कितनी देर में आप उसकी रिहर्सल टाइमिंग कर सकते हैं, रिहर्सल टाइमिंग करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए और आपकी जिस तरीके से सेव हो जाएगी। इसके बाद में रेजुलेशन जो आपको बढ़ाना है, कितना रखना है आपको आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, आप इसको यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं, यूज़ प्रेजेंट व्यू कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं। रिव्यू पर चलते हैं, यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, रिव्यू पे चलते हैं। रिव्यू हमारा पूरा कंप्लीट पुराना है, इसमें हम समय ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको पहले भी, स्पेलिंग चेक करने के लिए,
थ्रोसेस रिसर्च और ट्रांसलेट वगैरह इसको यूज़ कर सकते हैं। व्यू भी हमारा वो है, थोड़ा सा चेंजेस उसको देख लेते हैं। स्लाइड सॉर्टर, ये स्लाइड सॉर्टर वापस नॉर्मल कर दीजिए। नोट पेज, नोट पेज क्या होता है दोस्तों कि इन्हें जो भी ये व्यक्ति हैं बौद्ध हैं जो भी हैं आप जैसे जिसके भी बारे में आपको लिखना है आप उसके बारे में लिख दीजिए और यहाँ से नॉर्मल कर दीजिए। जैसे इस स्लाइड पे नोट में कुछ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है दोस्तों, इस पे नहीं, इस पे नहीं, लेकिन इस पे दिखा रहा है कि इस इमेज के बारे में हमको क्या बोलना है, ये कौन व्यक्ति है, इनका जन्म कब हुआ था, ये क्या है क्या नहीं, इन्होंने क्या किया है, इन सब के बारे में डिटेल आप नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है द क्विक बॉर्न फॉक्स जम ओवर द लेडी डॉग। दोस्तों ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर पूरे 26 कैरेक्टर समाए हुए हैं। इस शब्द को आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, द क्विक बॉर्न फॉक्स जम्प ऑफ द लेडी डॉग। मतलब इसके अंदर जितने भी 26 लेटर हैं ये ABCD के 26 जो अल्फाबेट हैं वो इसके अंदर पूरे समाए हैं। ये एक टैक्स हमने टाइप कर लिया इसलिए आपको बता दिया जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशनल बढ़ाएं। यहां से नोट पेज हो गया, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो के लिए स्लाइड शो देख सकते हैं आप, ये आ गया स्लाइड शो होगा। ये हैंडआउट नोट, हैंडआउट मास्टर मतलब ओपन हैंडआउट मास्ट व्यू टू चेंज द चेंज, मतलब कुछ लेआउट में चेंज करना है या प्रिंट में चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको सेव कर दीजिए। ये नोट मास्टर पहले से बना हुआ मास्टर नोट है, इसमें नोट कर सकते हैं आप, चीज़ों को नोट दे सकते हैं। कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इतनी ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं आती दोस्तों। ये रूलर लाने हटाने के लिए जगह बढ़ जाती थोड़ी सी, ग्रिड लाइन को लाने हटाने के लिए। ये यहाँ से जूम, इसके अंदर आपको हम बता चुके हैं पहले भी, ये 500 तक नहीं होता है, ये 400 से लेकर 10 से लेकर 400 तक आप इसको जूम कर सकते हैं। और वर्ड के अंदर 10 से लेकर 500 तक होता है और एक्सेल को भी 10 से लेकर 400 तक आप जूम कर सकते हैं। ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, प्योर ब्लैक एंड वाइट चाहिए आपको, किस तरीके से चाहिए है ये देखिए दोस्तों। F5 प्रेस करिए तो सारी चीज़ें कैसे कवर हो गई हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कवर। लेकिन एनिमेशन के अंदर आपको ऑटोमेटिक देना है तो ऑटोमेटिक दे दीजिए, F5 प्रेस करिए, ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा। बैक टू व्यू कलर, इसके बाद में ये न्यू विंडो अरेंज कैस्केड, हम इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितने हमने फाइल खोली हुई उसके बारे में दिखा देगा। मैक्रो भी हम पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं दोस्तों यहीं के हैं, आपको और पावर पॉइंट को बीच बीच वीडियो बनाते रहेंगे और कैसे स्लाइड का आप एडिट कर सकते हैं। जय हिंद। चलिए दोस्तों अब हम ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ वीडियो बना रखे हैं, देखिए पावर पॉइंट बना रखी है सॉरी कंप्यूटर के ऊपर, ये वीडियो डल चुका है दोस्तों, आप इस पर जाके देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया हमने। फिर हम कैंसिल करते हैं ताकि अगले वाले को देख सकें। ये हमने कंप्यूटर के बारे में बनाया हुआ है, ये देखिए दोस्तों फंडामेंटल के बारे में, ये यहाँ पर कंप्यूटर रनिंग टास्क बार क्या होती है, बाय डिफॉल्ट आइकन क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर आइकन क्या होते हैं। इसके बाद में हमने बता रखा है पेंट ब्रश के बारे में कि सबसे ऊपर वाली टाइटल बार फाइल और ऑफिस बटन होती है, डिफॉल्ट नेम होता है, टाइटल बार होती है, मिनिमाइज होती है, क्लोज होती है, रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज होती है, कलर बॉक्स होता है, टूल बॉक्स होता है, वर्टिकल स्क्रॉलर बार होता है, ये हॉरिजॉन्टली होता है। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल आपको समझा रखी है। अब मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 10 है। ये देखिए दोस्तों होम जैसा का तैसा है, चेंजेस आपको मैं दूसरे उसमें कंपेयर कर चुका हूँ, इसके अंदर स्क्रीनशॉट इसके बारे में बता चुका हूँ। मैं डिजाइन के अंदर आने वाला हूँ क्योंकि डिजाइन इसके अंदर चेंजेस है, सेम डिफॉल्ट नेम एक्सटेंशन नेम सेम है। यहाँ से चलते देखिए उसमें ये वाला हिस्सा है लेकिन यहाँ से नए कलर और नए चेंजेस शुरुआत हुए हैं। चलिए इसको मैं एंड करता हूँ, मैं नई स्लाइड पर देखता हूँ जो हम ले चुके हैं, ले रखी हमने, देखते हैं यहाँ से डिजाइन। देखिए वही वाला पेज करते हैं हम, तो सुंदरता की जो बात करें तो वो पूरे पेज में एक बड़ी सुंदरता के तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, या कोई ब्लैक वाला देना है, ये देखिए कितना अलग, मतलब अलग ही लुक आ रहा है। आप नीचे आ जाएंगे ये देखिए, ये यहाँ पर एक डार्कनेस बढ़ी हुई है, कोई और देना है आप चेंज कर सकते हैं। अब ये पुराने वाले के, लेकिन नए वाले के 3 बॉक्स आए हैं, 2 बॉक्स ये यहाँ से चेंजेस कर दिया है, क्या बात है। मतलब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर शब्द को आप लिखिए तो आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें 4 चांद लगा देगा, ऐसा हम बोलते हैं। एक न्यू स्लाइड लेके देखते हैं कंट्रोल प्लस M से, और इसको हम ब्लैंक करते हैं या केवल ओनली टाइटल देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ABHIGYANAMCE। दोस्तों YouTube का चैनल है हमारे, आप जिसको आप देख रहे हैं ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको कंट्रोल प्लस D करा हमने और इसको देते हैं हम
ये देखिए, तो यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से आपने लिख चुके हैं उसको, इसको बड़ा कर लीजिए आप, थोड़ा छोटा कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और F5, क्या बात है। तो यहाँ से आप इसके अंदर से काफ़ी सारी डिजाइन है, इसको आप ले सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और सभी बहुत सुंदर सुंदर हैं। ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड का आप कलर ले सकते हैं, जो हम पिछले वाले में बता चुके हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर और ऑप्शन आ जाते हैं आपके, ये देखिए काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाते हैं लेकिन इसको हम इसलिए बताना वो समझते हैं क्योंकि हम पीछे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं, नया कुछ भी नहीं है, हम पीछे इनका उपयोग कर चुके हैं, इसलिए क्या करते हैं हम थोड़ी फास्ट बोल देते हैं कि आगे बढ़ जाइए, आगे चले जाएंगे हम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पीछे वाले वीडियो में आप जाके देखिए, आपको पूरी डिटेल और सब कंप्लीट मिलेंगे। इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हैं, आपको जो भी इफ़ेक्ट्स चाहिए आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो जितने भी अप्लाई हैं आप सब पे अप्लाई कर देंगे इसको, सभी स्लाइड पे अप्लाई क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद एक नया चेंजेस है ट्रांसलेशन, इसके अंदर आपकी स्लाइड अब देखिए, ये तो बहुत आसान है, ये आते हैं आपके सेड वाले, बहुत सुंदर सा ये देखिए, ये मैं F5 क्लिक करके आपको इसके एक छोटा सा दर्शन कराता हूँ। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से, मतलब दोस्तों मेरे अनुसार 3 और 7 से बहुत सुंदर है। ये चेंज हुआ, ये स्लाइड चेंज हुई, नेक्स्ट करा, ये पूरा परिवर्तित होता है। इसको और देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर किस किस तरीके से आप बॉक्स जूम कर सकते हैं, कॉम्बो कर सकते हैं, वर्टेक्स कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी स्टाइल इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, उसको किस तरीके से उसको आपको जूम करना है, ये क्या बात है। ड्यूरेशन मैं यहाँ से F5 क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, इसे दर्शन कराता हूँ कि इसकी जो लुकिंग है वो वेरी नाइस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। 2010 की दोस्तों, मतलब इसमें मैं आपको वीडियो बनाऊँगा और एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाऊँगा इस आपके लिए, जो कि एनिमेशन में बहुत माहिर होगा और इतनी लुकिंग दिखेगी उसके अंदर, तो मेरे को भी बड़े मज़े आएंगे, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है इसको बनाकर आपको दिखाने में। अब इस पर नहीं दिया एनिमेशन, तो इस पर नहीं आ रहा है एनिमेशन में काफ़ी चेंजेस है दोस्तों, देखते हैं। इस पर हमने क्लिक करा, ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस एम्बेस और जो मोर एनिमेशन थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर दिखा रखा है जो मोर इफेक्ट हैं, जो इफेक्टिव हैं उनको बाहर निकाल रखा है। एड हमने यहाँ से करा था, पेन यहाँ से लाने हटाने के लिए, और ऐड करने के लिए हमने यहाँ से ऐड करा था, कोई भी हमको ऐड करना है तो ऐड कर दिया था हमने एनिमेशन। बाकी का सेम है, जो चेंजेस है मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब विदा लेने का समय आ गया है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अर्थमेटिक है तो पॉसिबल है। अभिज्ञान AMC पर आपको हम हमारे तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छा कुछ दें, ताकि वो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए। कंप्यूटर के और भी वीडियो बनने वाले हैं, इसके बाद में तीसरा पार्ट था, यहाँ समाप्त कर चुके हम तीसरे पार्ट को, एंड ऑफ पार्ट बोल सकते हैं। इसके बाद में हम एक्सेल की वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।